हेलो गाइस, और अभी आप लोग जो फ्रेम में देख रहे हो ये होंडा का एलिवेट है। रिसेंटली देखने को अभी तक ये रोड पे आपको नहीं मिला होगा, ये मुश्किल से मिल पाया है हम लोगों को देखने को, तो मैंने आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया है। मैनुअल में टॉप मॉडल का 17 लाख के आसपास प्राइस जा रहा था। मेरे फ्रेंड नीरज ने स्कॉर्पियो N बुक कर रखा है Z4, तो हम लोग सोचे थे कि इस गाड़ी को भी एक बार देख लेंगे कि क्या सब ऑफर करता है ये गाड़ी, और हम लोगों ने इसमें बैठ के भी देख लिया है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी। बहुत सारे फीचर्स हैं, अडास भी है, सब कुछ है, बस इस गाड़ी का ब्रेथ थोड़ा सा कम लग रहा है। मेरे पास नेक्सॉन है, उससे भी हल्का सा कम है। मेरा नेक्सॉन का 1810 mm है ब्रेथ, और इस गाड़ी का 1790 है, तो थोड़ा सा कम चौड़ा लग रहा है, जिसके चलते हम लोगों को ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ पा रहा है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है, अगर आप लोगों को कम्फर्टेबल हो उस चीज़ को लेके तो आप लोग ज़रूर ले सकते हो। इस गाड़ी में बस वही एक पॉइंट हम लोगों को ख़राब लगा, बाकी इस गाड़ी में हम लोगों को सब कुछ पसंद आ गया था। इसमें देख सकते हो अडास भी है, इंडिकेटर ऑन करने पर कैमरा व्यू भी दिखाया जाएगा आपके कंसोल में ही। फीचर्स से भरा हुआ है गाड़ी, बट इसका चौड़ाई ही थोड़ा सा कम लग रहा था हम लोगों को। और ये देख सकते हो इंजन है इसका, होंडा का इंजन काफ़ी रिलायबल होता है। मेरे फ्रेंड के पास भी होंडा सिटी है, तो मैं इसका रिव्यू लेते रहता हूँ उससे भी। तो हम लोग इस प्लान को ड्रॉप कर रहे हैं इसको लेने का अभी तो फिलहाल के लिए। थैंक्स फॉर